हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय गेम प्ले वीडियो। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ कंस्ट्रक्शन सिमुलेटर 3 की एक और नई वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने भाई अपना जो एक कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, इसमें भाई हमने साइड में भाई वॉल्स लगाकर और ऊपर इसकी टीन लगाकर भाई ये बिल्कुल तैयार कर दिया था। और इनका भाई ये जो भी गोदाम वगैरह है, जो भी फैक्ट्री वगैरह, ये हमने बिल्कुल तैयार करके इन्हें दे दी थी। इन्होंने भाई अपना फर्ज पूरा किया, इन्होंने भी हमारी पूरी पेमेंट टाइम पर दे दी थी। इन्हें पता भाई हम भाई कंस्ट्रक्शन वाले हैं, एक भाई अगर हम एक बकेट मार देंगे भाई अपने एक्सकेवेटर की तो भाई इनका गोदाम ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। इन्हें पता भाई कि भाई तोड़ फोड़ वाले बंदे हैं कि फिर से तोड़ फोड़ सकते हैं, और हम इन्हें कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हमारे मुंह पर भी ये बकेट मार देगा। जब बेइज्जती है। चलो भाई, ये तो ही मजाक की बात। फिलहाल भाई आज लेने वाले हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट, तो देखते हैं भाई। यहाँ पर हमें न्यूस्टिन इंडस्ट्रियल एरिया में हमें भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब 2 दिन कॉन्ट्रैक्ट हमने यहाँ पर पूरे कर दिए हैं। और देखो आप लोग, यहाँ पर भी भाई अपना जो ये पुल, ये जो ब्रिज है, ये बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो भाई इसे ब्रिज वाले को तो आप क्लेम करेंगे, लेकिन आज भाई यहाँ पर बहुत दिनों में एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया है हमारे पैकलिंग में। तो यहाँ पर जो ये है ये करने वाले, छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अर्थ मूविंग का। भाई देखते हैं एक्सक्यूट करना भाई कुछ, लोड द स्पॉइल विद व्हील लोडर एंड ट्रांसपोर्ट इट ऑफ द साइट। तो देखते भाई छोटा सा आज हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि भाई अगर देखो आप लोग, बताता हूँ मैं, जो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। अभी तो ये देखो, मतलब यहाँ से जो आप लोग दिख रहा है ये भाई, मतलब इसका बेस बेस खड़ा होगा इसमें, इस जो हमें वर्क दे रखा है इसमें बस इसका बेस खड़ा होगा और कुछ नहीं। आगे भाई इसमें 5 कॉन्ट्रैक्ट, 6 कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं हमें कुछ नहीं पता है। फिलहाल भाई आज लेते हैं एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट, और हमारा जो लोडर है उससे काम नहीं करेंगे आज भाई। हमारी जो बैक हो है उससे भाई हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका, काम नहीं किया है, आज उसे लेकर चलेंगे और भाई उससे आज हम काम करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा दिन हो गया यार, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मुझे यार उसकी, क्योंकि भाई उसी से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, और भाई ये हमारा एक ट्रक है इससे हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था। अभी फ़िलहाल हमने जो बड़ी मशीन पर जो है स्विच कर लिया है, तो इसलिए भाई छोटी मशीनों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। फिलहाल भाई आज चलते हैं अपने बैगों को लेकर अपने पुराने बेस पर, चलते भाई जल्दी से अपने बैगों को निकालते हैं और अपने होम बेस पर ही चलेंगे, एक बार चाय पानी पी कर आएंगे, बहुत दिन हो गया यार चाय पानी पी, चलते हैं। फिलहाल भाई हमारी जो बैग है वो यहाँ पर आ चुकी है, तो लेकर चलते हैं भाई से अपने पैकिंग में, और वहाँ पर चलकर भाई अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे डन करते हैं। देखो भाई अगर हम इस तरफ आ ही गए हैं, तो चलो आप लोगों को मैं वो लोकेशन भी दिखा कर लाता हूँ जहाँ पर भाई वो ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है वो होने वाला है। यहाँ से मतलब जो ये रोड अभी फिलहाल बंद है, अगर वो ब्रिज बन जाएगा तो ये भाई शुरू हो जाएगा, और वो सिटी भाई इस सिटी से कनेक्ट हो जाएगी, और भाई यहाँ पर जो है बिजनेस भी बढ़ेगा और भाई सारे काम हो जाएंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। मतलब इन तीनों में पता है क्या, मतलब उसमें पैकिंग में छोटे जो है कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्या क्या भाई पैकलिंग में जो हमारे छोटे कॉन्ट्रैक्ट हैं भाई, न्यूस्टिन इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे मीडियम से जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, और भाई उस वाले न्यूस्टिन एरिया में भाई उसमें हमारे और भी ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो हैं मिलेंगे हमें वहाँ पर। तो इसलिए भाई मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश इसे करूँगा, देखते भाई दिखाता हूँ। चलो आप लोग बात बातों में पहुँच भी गए हम यहाँ पर, और यहाँ से भाई ग्रेवल पिट का रास्ता जाता है, और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर हमारा जो ब्रिज है वो बनने वाला ब्रिज भाई। फिर ये क्या है, ब्रिज बनने वाला है तो। फिलहाल भाई आप लोग देख सकते हो कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं भाई, ये दोबारा बनवा रहे हैं मतलब इस ब्रिज को, मतलब इन्होंने बंद कर रखा है। आप लोग देख सकते हो भाई इसमें
भाई दरार वरार आ रखी है और वहाँ से भाई टूटा भी हुआ है, इसलिए भाई ये इन्हें इसे दोबारा बनवाना चाहते हैं। यहाँ की सरकार ने हमें ये मौका दिया है, तो भाई जल्दी से जल्दी हम इस ब्रिज को भी कंप्लीट करेंगे। अभी फ़िलहाल भाई ये डेंजर जोन में आ रखा है, क्योंकि भाई आप लोगों को पता भाई रास्ता बंद है, तो इसलिए ये डेंजर जोन में आ रखा है। भाई कोई भी गाड़ी ना आए, कोई भी एक्सीडेंट ना हो, इसलिए कोई नहीं भाई चलते हैं अपनी पैकिंग में। फिलहाल भाई हम पहुंच चुके अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर, और यहाँ पर हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो यहाँ पर कहीं पर है। कहाँ पर भाई, पीछे रह गई क्या भाई? यहाँ पर तो दिखी नहीं मुझे कंस्ट्रक्शन साइट है। हाँ वो रहा उधर की तरफ है। मैं सोचा भाई यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है, यहाँ पर कोई ग्लिच हो चुका है, लेकिन भाई यहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्शन साइट उधर की तरफ है। यहाँ से लेफ्ट जाकर वहाँ पर देखते भाई। और भाई एक बात तो है यार, छोटे मशीनों के साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और है। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट है और भाई अपना इन्हें पूरा करते रहो। ये है भाई हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट, और देखते हैं भाई इसका क्या करना हमें। लोड द स्पॉयल विद लोड एंड ट्रांसपोर्ट इट ऑफ द साइट। यहाँ से भाई हमें ये हटानी होगी, तो फिलहाल अभी हमें अपना जो छोटा वाला ट्रक है वो भी यहाँ पर लेकर आना होगा। तो जल्दी से मैं अपना छोटा वाले ट्रक को भी यहाँ पर बुला लेता हूँ। भाई हमारा ट्रक भी आ चुका है हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर, और इसे भाई यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, और जल्दी से इसमें ये जो सॉइल है ये भरनी शुरू कर देते हैं। मतलब इसे ऐसे लगा देंगे और फिर इसमें हम अपना आराम से जो है सोइल भर सकते हैं। जल्दी से शुरू कर देते हैं अपने काम को। हमारा जो ट्रक है वो भी फुल हो चुका है, तो फिलहाल भाई इसे ले जाकर मैं भाई ग्रेवल पिट पर डंप करके आता हूँ, और फिर भाई वापस से अगर एक और बार ये भरना पड़ेगा लाता हूँ भाई मैं जल्दी से इसे।
फिलहाल भाई हमारा ये जो टास्क है ये कंप्लीट हो चुका है, और भाई अभी फिलहाल हमारा जो आधा टास्क है वो भी बाकी है। देखते भाई क्या है हमारा अगला टास्क।